तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूँ फिर से एक बार मेरे चैनल है माई गेमिंग में। और जो कोई दोस्त इस आवाज़ को नया सुन रहा हो, फटाफट से यह सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना अगर वीडियो आपको अच्छी लगे। और भाई लोगों, सब्सक्राइब तो करना ही करना है। तो यार दोस्तों, आज हम फिर से लेके आ गए हैं एक बार फिर से दैट बैड वीडियो। और आज हम उतरे हैं मिलिट्री बेस में। तो यार बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम पहले तो किसी एक बकरे की बलि देंगे, ताकि हमारे यह जो वीडियो है कतई मतलब ओपी चले, आपको पसंद आए। क्योंकि बकरे की बलि तो देनी पड़ती है भाई, उसके बिना तो कतई मतलब काम ही नहीं होता है। अब तुम देख रहे होगे यार, मैप में फायरिंग हो रही है और कतई अब हम मतलब जंगलियों की तरह मारने के लिए दौड़ रहे हैं। तो यार यहाँ पे मैंने कहा था बकरे की बलि तो देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे जेरी ना बकरे की बलि दे दी है। ठीक है, और कतई मेरे को यहाँ पे ये लगा था कि ये फ्लेयर गन है, लेकिन भाई साहब कतई पोपट हो गया मेरा, समझ रहे हो। और अब हमको मिल चुका है कार 98, समझ रहे हो, मतलब कतई ओपी गन है भाई। तो यार यहाँ पे से हम निकलते हैं फटाफट से, क्योंकि बाकी बंदे भी थे और बिट को कंटिन्यूसली फायर हो रहा था। और मैं एक और बात बता दूँ भाई लोग को, हमने मतलब इतना सही गेम प्ले करा है एमुलेटर के वर्सेस में, मतलब हम एमुलेटर के वर्सेस में खेल रहे, क्योंकि बिट जो है वो एमुलेटर में खेल रहा है फिलहाल। तो यार बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, समझ रहे हो, एमुलेटर के वर्सेस में खेलने में, लेकिन फिर भी हमने कतई ट्राई करा है, समझ रहे हो। तो यार दोस्तों, अभी हम मतलब कतई पुश करने की सोच रहे हैं कि अगर सी बिल्डिंग की तरफ कोई बंदा है तो उधर को पुश करते हैं। और जेरी ने यहाँ पे एक और बंदा नॉक करा, मतलब कतई जेरी कतई खलनायक बनता जा रहा है। ऐसा लग रहा है हमको कि इमोशंस तो ख़त्म ही हो रहे हैं जेरी के अंदर, साला किसी को छोड़ता ही नहीं है बे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो यार यहाँ पे हम सोचते हैं कि भाई अंदर तो जेरी घुसे गया है, समझ रहे हो, और हम ऊपर घुसते हैं क्योंकि ऊपर है एक बंदा, देख रहे हो हमने कतई लिट कर दिया है उसे। क्योंकि अगर अब कोई और बंदा गया तो वो मार जाएगा, और हमको बिट से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद थी। तो यार यहाँ पे मैंने सोचा था कि वो बंदा चला गया, लेकिन जस्ट राइट में मैंने देखा कि बंदा तो यहीं लेटा है बे, उसका लैग हो रहा था। तो यार काका जी को हमने मार दिया है, तेरा काका, वाह। यहाँ पे हम लूट वूट कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे और बंदे भी हैं, तो ज़्यादा देर हम लूट नहीं करते, मतलब कतई मतलब, क्योंकि और बंदे मिलिट्री में इतने कम टीम, तो ऐसा है नहीं कि हो सकता है, समझ रहे हो, थोड़ा बहुत लूट करो। क्योंकि सामने वाली बिल्डिंग से मुझे कंटिन्यूसली पड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना फटाफट बैंडेज वैंडेज लगाए और इनकी बकरों की बलि भी फिर हम चढ़ाते हैं भैया काली माता को, समझ रहे हो। तो यार बंटाई का यहाँ पे मतलब कतई मैसेज आ रहा था कि नेक्स्ट मैच में हमको खिला लो, लेकिन हमारे पास क्या कहते हैं टीम में जगह नहीं थी, तो हमने वही मैसेज करा है। तो यार भाई अब कतई बिट ने ऊपर से पुश कर दिया है, जेरी भी पहुंच गया है। मैं बता रहा हूँ जेरी के अंदर इमोशंस कतई ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यार हम सब ने भी पुश ही कर दिया। मैंने सोचा कि जेरी नीचे गया, लेकिन साला जेरी छत पे था, और हमने कतई मतलब पुश कर दिया। और ये बंदे मतलब कतई कैंपिंग कर रहे थे, अब देखो जेरी को मतलब कतई खा जाएंगे ये बंदे, मतलब नॉक कर देते उसके बाद। मतलब ये देख रहे हो, ये देख रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे ये सामने वाला बंदा अलग ही नशे में चल रहा है भाई, मतलब ऊपर हमने पूरा पुश कर दिया है, ये सामने वाला नीचे शुक्ला जी को मारने के पे तुला है। ऐसे कैसे मार दोगे भैया जी शुक्ला जी को, छोटी मोटी बात समझ रखिएगा। तो यार यहाँ पे सारा कुछ निपटाने के बाद, लूटने के बाद, शुक्ला जी कह रहे थे कि एक और बंदा है, तो हमने सोचा कि देखते कहाँ है, समझ रहे हो। हम कूदे फटाफट से नीचे, और हमको इतनी जल्दी बंदा मिला ही नहीं, हम कहाँ करें। तो यार यहाँ पे सब कुछ लूट लूट लाटने के बाद अब तुम्हारा भाई यहाँ से निकल जाता है, मतलब कतई मतलब यहाँ से हम बाहर की तरफ को निकल जाते हैं। तो यार मिलिट्री से निकलने के बाद हम नोवो की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी भाई सब कतई मतलब एक इंसिडेंस हो जाता है। और वो इंसिडेंस क्या है, वो इंसिडेंस ये है कि मेरे को पता चल गया था कि गाड़ी आ रही है, और देख रहे हो कतई मतलब सही डैमेज मिला है भाई उसको, एक नंबर का डैमेज दिया। और फिर मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि मैं गाड़ी में आया था, किस में आया था, मैं तो कहा भाई मैंने डैमेज दिया भाई, मैं तो लूँगा किल। तो मैं तो भाई कतई मतलब उसके पीछे चला गया। और अब बिट विट वहाँ पे नोवो में फाइट ले रहे थे, उन्होंने नोवो में दो तीन बंदे नॉक करे थे, लेकिन भाई हमको तो यहाँ पे कवर फायर की ज़रूरत थी। तो मैंने कहा भाई फटाफट से आ जा, अपने को तो चाहिए कवर फायर। और मैंने सोचा था एक ही बंदा, इसलिए मैं सीधे पुश कर गया, लेकिन वहाँ पर वो दो बंदे थे,
और भाई साहब मतलब कतई मतलब मेरा तो भाई साहब कचुम्बर बना दिया। ठीक है, अब भाई यार मैंने सोचा कि वो अपने बंदे को रिवाइव देगा, तो मैंने शुक्रा जी से कहा कि रिवाइव दो मुझे, लेकिन वो बंदा भाई साहब पुश कर रहा है। मतलब ऐसा कौन करता है भाई, ऐसा ऐसा किए क्या होता है? मतलब आपका एक बंदा नॉक पड़ा है, आप आराम से भाई खेलो यार, हमारे इतने में बाकी बंदे आ ही रहे थे, लेकिन नहीं भाई साहब उनको तो किल चाहिए, उनको तो मारना है, उन्होंने एक बंदा नॉक करा है। तो यार यहाँ पे भी सब कुछ लूटने के बाद हम लोग फिर दोबारा से निकल जाते हैं, मतलब कतई रस गेम प्ले कर देते हैं यहाँ पे हम। तो यार यहाँ से निकलने के बाद हम सोचते हैं कि पहले नोवो का ब्रिज कैंप करेंगे, फिर हम सोचते हैं कि अगर मिलिट्री की तरफ को कोई बंदे होंगे या ये वाले मिल्टा से कोई बंदे आ गए होंगे तो भाई हम बहुत गंदा वाला पिटेंगे, इसलिए हम रीच देख के रुक जाते हैं यहाँ पे, ताकि भाई और यहाँ पे जो रीच में जो फाइट होती है ना भाई, देखो ऐसा है चिकन डिनर तो हमको नहीं मिला, लेकिन जो फाइट होती है ना भाई वो बहुत ओपी होती है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि यार बहुत सही फाइट हो रही है। और यहाँ पे एक बंदा मतलब चपेट पर आ गया मेरे M4 के स्प्रे पे, तो यार बहुत सही मारा कतई, तुम बताओ। ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब मतलब बिट ने किल ले लिया उसका पूरा का पूरा। तो यार यहाँ पे अब क्या होता है कि यहाँ पे मतलब कुछ ज़्यादा ही थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सारी पार्टी हो जाती है, क्योंकि हम देख रहे हो आप सामने वाले बंदों से फाइट ले रहे हैं। ठीक है, हम इनको पूरा खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भाई कुछ और ही चक्कर होता है। देखो जेरी नॉक हुआ M24 से, और वहाँ पे से उसने को नहीं पड़ी है, उसको पड़ी है पीछे से, समझ रहे हो? ये बंदे जो है एक हेड लगा इसको, और ये बंदे पीछे से मतलब स्ट्रीम स्नाइप कह रहा था अभी मैं, मतलब स्नाइपिंग कर रहे हैं, तो मतलब ये कौन सी बात होती है भाई। अब देखो यहाँ पे यार अभी तक खाली जेरी नॉक है, और जेरी को रिवाइव मिल चुका है, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही तगड़ी चीज़ होती है, समझ रहे हो? अब DP वाले पीछे से मार रहे कतई, मतलब आगे पीछे दोनों थर्ड पार्टी चल रही है भाई, पीछे वाले मार रहे आगे वाले मार रहे, और यहाँ पे मैं इनके आगे ज़्यादा पास गया नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि भाई बहुत गंदा वाला ठीलेंगे भाई यहाँ पे। तो यार यहाँ पे आप देख रहे हो कतई मतलब तुम्हारे भाई ने इनकी लंका लगा दी, यहाँ पे तीन ही बंदे आए थे और तीनों के तीनों मरते हैं भाई यहाँ पे। अब मैं सोचता हूँ यार पहले जेरी को बचा लूँ, क्योंकि जेरी बहुत सही खेलता है, तो जेरी को बचाने के चक्कर से मैं भाई शुक्ला जी आगे आ जाते तो पहले शुक्ला जी को बचा लेते, बट यार यहाँ पे क्या होता है कि अब देखो तुम, हमने जेरी को बचा लिया फिर, लेकिन लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट, अगर हम जेरी को पहले हाथ लगा दें तो पूरा बच जाता जेरी, समझ रहे हो? हमने एन मौके पे जेरी को छोड़ दिया यहाँ पे, एन मौके पे, समझ रहे हो? मतलब अगर हम नहीं छोड़ते तो हम मर जाते वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे पेड़ पे दूसरा बंदा आ गया था, जो रेगुलरली स्प्रे दे रहा था भाई, और उसने शुक्ला जी को भी मतलब कतई ख़त्म ही कर दिया, और इसको कहते हैं OP नेड, समझ रहे हो तुम? ये देखो तुम्हारा भाई है नायक, नहीं खलनायक भी नहीं है। तो यार यहाँ पे सारे बंदे मारने के बाद मैं सोचता हूँ कि भाई यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि जोन आ रहा है, मेन बात है जोन की। तो यार यहाँ पे ड्रिंक वरिंक सब लेने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ अगले जोन की तरफ। तो यार चल चलते हैं पटापट पटापट। तो यार यहाँ पे मैं गाड़ी उठाता हूँ फटाफट से, और भाई निकलता हूँ जोन की तरफ कतई, मतलब मुझे पता है अब कि मैं सोचता हूँ कि बंदे यार मतलब कितने होंगे ज़्यादा ज़्यादा, समझ रहे हो? मतलब रीच पे कितने बंदे होंगे ज़्यादा ज़्यादा, एक टीम होगी तो भाई मार दूँगा आराम से, समझ रहे हो? मैं सोच रहा था ये, और मैं मतलब रुकता भी रीच पे हूँ, लेकिन भाई कतई मतलब मेरे साथ जो मजाक होता है ना, मैं क्या बताऊँ भाई, बहुत सही मजाक होता है। मैं सोचता हूँ सेंटर रीच पकड़ूंगा ये वाली, तो बिट बिट सब मना करते हैं, कहते हैं नहीं भाई दूसरी वाली रीच पकड़ ले, क्योंकि सेंटर में भाई चारों तरफ से पिलेगा, तो रिस्क नहीं ले सकता था क्योंकि भाई मेरे पास मेरी टीम नहीं थी बेसिकली। ठीक है, तो अब मैं यार यहाँ पे से हटता हूँ फटाफट से, बंदे ढूंढ रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी टीम जो मर चुकी है, सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ, तो बंदे बंदे ढूंढ रहा होता हूँ यार, इतने में मतलब कतई मतलब सही एक नंबर की चीज़ हो जाती है हमारे साथ। तो यार यहाँ पे मतलब कतई मतलब OP चीज़ हो जाती है, वो क्या मैं आप बताता हूँ। मैं आखिरी जोन का वेट कर रहा था कि बंदे मतलब फिर आसानी से मिलेंगे, तो मैं वहाँ पे आखिरी जोन पे पहुँच गया, और अब यार तुम देख सकते हो मतलब कतई मैं दूसरी रीच पकड़ने जा रहा हूँ ताकि बंदे दिख जाए, और मुझे एक बंदा दिख चुका है, तो मैं सोचता हूँ यार उसको लिटा दूंगा आराम से, समझ रहे? बहुत ज़्यादा ओपन में है वो, तो मैं मारता भी मेरे हिसाब से तो भाई मैं अच्छा मारता हूँ, मैं कतई मतलब थर्ड पार्टी बन जाता हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है बताओ? मैं तो पूरा का पूरा स्प्रे भाई साहब कतई एक नंबर का स्प्रे देता हूँ। अब तुम देख रहे हो यहाँ से मरा और मैं राइट से मर गया, समझ रहे हो? तो ये बहुत गलत चीज़ होती है, और ये लोग भी मर जाते हैं उसके बाद,
तो यार चिकन डिनर तो नहीं मिला, लेकिन गेम प्ले बहुत अच्छा था। अगर तुमको अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ भाई लोगों लाइक करना और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके बताना यार तुमको कौन सा जो है शॉट अच्छा लगा और कौन सी स्ट्रेटेजी अच्छी लगी। तो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।